press the bell icon on YouTube and don't miss another update. संसद में किसी भी बिल को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सत्ताधारी दल कैसे फ्लोर मैनेज कर पा रहा है, और यही कल हमने नमूना देखा राज्यसभा में, जब भाजपा ने अपना 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कि बिल था वो पास करा लिया। आइए आपको लेके चलते हैं भाजपा की फ्लोर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तक। आपको बता दें, भाजपा की एक टीम बनी, लीडर ऑफ हाउस अरुण जेटली, डेप्यूटी लीडर रविशंकर प्रसाद, चीफ विप नारायण लाल पंचारिया, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह और जूनियर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विजय गोयल, पांचों की टीम ने मिलकर स्ट्रेटजी तैयार करी। सूत्रों की माने तो बीजेपी को इंट्रोड्यूस करने का टाइम पोस्ट लंच था, मगर बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई कि इस बिल को 12 बजे लेके आया जाए। कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि बिल इंट्रोड्यूस ना हो राज्यसभा में, चाहे ना चाहे उन्हें इस बिल का सपोर्ट करना ही था। बीजेपी नेताओं से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये रीज़न ये था कि 12 से 1 बजे का टाइम कोई डिस्कशन नहीं था, राजनाथ सिंह जी का भाषण हो चुका था, हमारे पास कुछ करने को था नहीं, इसलिए हमने 12 बजे बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरी स्ट्रैटेजी रही कि बीजेपी ने अपने 12 सांसदों को तैयार किया, कहीं भी असत्य, जो बीजेपी की तरफ से असत्य का प्रोपगेशन होता है विपक्ष के भाषणों में, अगर कहीं बीजेपी को या सांसदों को लगे कि ऐसा किया जा रहा है तो वो उसे रोक पाए। मसलन, चार मिनिस्टर विजय, जूनियर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विजय गोयल, रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान एंड रामदास अठावले जी को भी तैयार किया गया, कहीं उन्हें लगे कि विपक्ष का कोई नेता कोई ऐसे फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है राज्यसभा में जो कि उनके अगेंस्ट आउट ऑफ राज्यसभा यूज़ किए जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेन में, तो तुरंत उसका खड़े होकर वो बहिष्कार करें, उसे करेक्ट करें। इसके पीछे स्ट्रैटेजी थी कि नैरेटिव को रोका जाए, काउंटर नैरेटिव या एंटी नैरेटिव को इस बिल के अगेंस्ट जितना भी बिल्डअप हुआ था उसको रोका जाए। बीजेपी सूत्रों की माने तो ये स्ट्रैटेजी अमित शाह की बनाई हुई स्ट्रैटेजी थी, और वो पल पल एक एक वक्तव्य पे उनकी नज़र थी। यही कारण था कि उन्होंने 3 बार राज्यसभा में खड़े होकर विपक्ष के नेताओं को इंटरवीन करके उन्हें उनके मैनिफेस्टो याद दिलाए कि कैसे बीजेपी जो कर रही है वो तो सबके सामने है ही, परंतु जो विपक्ष बोल रहा है वो भी एक बार अपने गिरेबान में झांके। तीसरा पार्ट उनकी फ्लोर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का था कि जब तक राज्यसभा चल सकती है तब तक खींचे, अश्योर करें कि विपक्ष अपने काउंटर नैरेटिव रखे पर वो बाध्य भी हो इसको सपोर्ट करने के लिए। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एब्सेंस में अमित शाह ने पूरा चार्ज लिया। हालांकि कहने को लीडर ऑफ हाउस अरुण जेटली जी हैं, अरुण जेटली जी और अमित शाह ने पूरा चार्ज लेकर इंश्योर किया कि ये बिल राज्यसभा में भली भांति पास हो जाए। ये तो रही राजनीति की बात, पर आपको लेके चले कुछ लाइट मोमेंट्स की तरफ। आपको याद होगा रामदास अठावले जी जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी तुकबंदी से सबका दिल जीत लिया था लोकसभा में, और उन्हीं की तुकबंदी का इंतज़ार था ना केवल भाजपा के सांसदों को बल्कि विपक्ष के सांसदों को भी। और यही रीज़न है जब उन्होंने अपनी तुकबंदी शुरू की, ना केवल बीजेपी के सांसद खिलखिलाकर हंसे, इनफैक्ट स्मृति ईरानी जी को तो हमने देखा कि उनके शायद आंखों से पानी भी आ गया था हंसते हुए, बल्कि एनसीपी के लीडर शरद पवार भी इशारों से उन्हें बूस्ट कर रहे थे, उनकी बातों को सपोर्ट करते हुए वो बता रहे थे कि हाँ, आई एम फॉलोइंग योर तुकबंदी। उसका एक नमूना हम आपको देना चाहेंगे, रामदास अठावले ने क्या बोला। रामदास अठावले की एक लाइन जिस पर सबने ठहाके मार के हंसा, वो था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी देंगे मुझे धक्का तो मैं भी कांग्रेस की तरफ से मारता हूँ छक्का। इसी के साथ प्रिंट आपसे इजाजत लेता है कल तक के लिए। प्रज्ञा कौशिक, द प्रिंट के लिए। जब हमें महिलाओं द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की सराहना